और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि आज भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिशंकर भाभड़ा के निधन से शोक की लहर है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा का निधन हो चुका है। सीएम भजन लाल शर्मा सुबह 10:30 बजे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। भाभड़ा जी के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाभड़ा के निधन पर दुख जताया है। ओम बिरला ने भाभड़ा जी के निधन पर की हरिशंकर भाभड़ा जी प्रदेश के विकास के लिए सदैव समर्पित रहे, वंचितों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में वो सशक्त आवाज थे। लोकतांत्रिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण में भी उनका अहम योगदान रहा। असीम पीड़ा की घड़ी में परिजनों के प्रति संवेदनाएं, ये ओम बिरला ने कहा है और इस घड़ी में उन्होंने ये शब्द उनके लिए कहे हैं। भाभड़ा पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। आज बता दें दोपहर 1 बजे हरिशंकर भाभड़ा का अंतिम संस्कार होगा। झाला स्थित शमशान में अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि भाभड़ा 2 बार विधानसभा अध्यक्ष और 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरिशंकर भाभड़ा का जन्म 6 अगस्त 1928 को नागौर जिले के खिड़की दरवाजा डीडवाना में हुआ था। उनके पिता का नाम मन्नालाल भाभड़ा और माता का नाम मोहिनी देवी था। हरिशंकर भाभड़ा के 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। उन्होंने नागपुर लॉ कॉलेज के साथ साथ प्रभाकर हिंदी भाषा संघ हाई स्कूल नागपुर से कला स्नातक और कानून की डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा आपको बता दें हरिशंकर भाभड़ा ने 16 मार्च 1990 से 5 अक्टूबर 1994 तक अध्यक्ष का पद संभाला। उन्होंने 1995 से 1990 फिर 1993 में चूरू जिले के रतनगढ़ से विधानसभा का चुनाव जीता भी था। वो 6 अक्टूबर 1994 से 1 दिसंबर 1998 तक राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी रहे। भाभड़ा राजस्थान सरकार में आर्थिक नीति और सुधार परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। 1967 से लेकर 84 के राज्यसभा के सदस्य भी वो रह चुके हैं। आपको बता दें कि 27 दिसंबर को सीएम भजन लाल शर्मा भाभड़ा से मिलने हॉस्पिटल गए थे। हालचाल जानने के लिए सीएम भजन लाल शर्मा अस्पताल गए थे और 96 साल की उम्र में आपको बता दें कि हरिशंकर भाभड़ा का निधन हो चुका है और परिवार में शोक की लहर है। हर किसी की आंखें आज नम हैं और हर कोई उनको आज के दिन याद कर रहा है। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विष्णु, एक कह सकते हैं कि इस जिंदगी से और इस जीवन से हरिशंकर भाभड़ा जी विदा हो चुके हैं। अंतिम सांसें उन्होंने ली, 96 साल उनकी उम्र थी। बड़े ही अच्छी चीजों का योगदान उन्होंने अपने जीवन में दिया है और हर कोई उन्हें आज याद कर रहा है नम आंखों से। परिवार में शोक की लहर तो है, लेकिन अगर आप नेताओं की बात करें, बड़े दिग्गज लोगों की बात करें, तो उन्होंने भी शोकाकुल व्यक्त किया है अपने अपने तरीके से। बिल्कुल, हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो, और संभवतः पहले उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाभड़ा ही थे। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और क्योंकि सबके चहेते थे हरिशंकर भाभड़ा, बीमार हुए थे अभी, तो बीजेपी के तमाम जो नेता है, लीडर है जो राजस्थान के, वो पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, इसके अलावा जो कई मंत्री हैं वो पहुंचे थे, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, तमाम लोग हरिशंकर भाभड़ा के मिलने पहुंचे थे, उनका स्वास्थ्य पूछा था। और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है, तो उसके बाद भी अब उनका कुछ देर बाद अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले यहाँ तमाम बड़े नेता है वो पहुंच रहे हैं। मालवीय नगर स्थित उनका आवास है, वहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी कुछ देर बाद पहुंचेंगे और इसके बाद जो बीजेपी के नेता पहुंचेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी अपने प्रिय नेता को सब शोक संदेश व्यक्त कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं राजस्थान की जब राजनीतिक करवट ली, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री राजस्थान में एक हुआ करते थे, जब उप मुख्यमंत्री बने उसके बाद जो सत्ता के केंद्र हुए, तो अब लगातार उनसे उसके बाद भी कई जो नेता है वो सलाह लेने पहुंचे रहते जब स्वास्थ्य थे तब तक, और उसके बाद पिछले कई ठीक है। विष्णु, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे हम, क्योंकि देखिए सतीश पुनिया के पास सीधा हम लिए चलते हैं। बीजेपी नेता है सतीश पुनिया, सीधे उनके पास लिए चलते हैं, क्योंकि देखिए आज दुख की घड़ी है। सर, हरिशंकर भाभड़ा जी का जो जीवन रहा है वो बड़ा ही
सात्विक रहा है और साथ ही उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसी अच्छी चीजें की, कई अच्छे से काम किए और आज उनको हर कोई याद कर रहा है। बेहद ही दुख की लहर है, परिवार में शोक की लहर है और हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है। उनके अंतिम समय में आज हर कोई उनके काम को भी याद कर रहा है। कितना बड़ा नुकसान, क्योंकि देखिए परिवार का एक सदस्य जब जाता है तो परिवार के लिए तो ये बहुत ही दुख की बात होती है। अगर बात की जाए उनके साथ में, उनके आज तक जो उनके साथ खड़ा रहा, उनके जीवन में जो भी उनके साथ था, कितना बड़ा नुकसान ये कहा जा सकता है।